एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू द अनदर व्लॉग। मैं हूं प्रणाली और मैं हूं धीरज और हम दोनों हैं मिस्टर मिसेस पाटिल। हम लोग कहीं जा रहे हैं घूमने के लिए कुछ काम के लिए बैतूल जा रहे हैं और कुछ लोगों से बात करनी है हमारे नेक्स्ट प्रमोशन के लिए। तो चलो चलते हैं, चलो लेट्स गो। गाइस हम लोग अभी यहां पर आ चुके हैं एक खेत में जहां पर अभी हम लोग रील बनाने के लिए रुके हैं। ये गन्ने के खेत है हमारे यहाँ पर, देख लो कितने प्यारे होते हैं। बहुत प्यारे होते हैं, इतने के लिए लजीज डिलीशियस सब कुछ होते हैं। क्या होते हैं लजीज? और चल आ जाए यार, यहाँ परेशान वैसी तो कहाँ, इधर ला लिया हमने। ये लो, ये से चलना भी नहीं हो रहा, नीचे वो उसके निकले हुए है अभी यहाँ पर डांस। अरे नहीं होते, सांपों से डर लगता है। अभी यहाँ पर डांस करने वाली है और कुछ लोग रोड से जाते आते तीन चार लड़कियां, पता देख करके उनको पता नहीं क्या फील आ रहा था, हम लोग इधर आ रहे थे तो ना क्या क्या नहीं करना पड़ता है काम के लिए, सब करना पड़ता है। चलो अब उसके लिए देखो, वीडियो के लिए हमको गन्ना तोड़ना पड़ रहा है वो, मगर ये खा नहीं सकते है ये जो गन्ना है। अरे यानी उसमें रस नहीं रहेगा उस तरीके का, अलग ही फीका फीका। अभी एक पड़ेंगे, पहले के लोग ऐसे करते थे ना, भाला फेंक फेंक के मारते थे लोगों को। मैंने तो कोई चाटा फेंक के मारा, तू चल जा वहाँ उधर फट से, रास्ते से गन्ना लेकर के, गन्ना लेके आएंगी थोड़े से आगे आएंगी फिर तू डांस करेंगी। हाँ गन्ना खाने के लिए नहीं बोला है, वीडियो बनाने। तू बनाओ ना। अभी क्या खा रही है उसमें क्या निकलेगा रस, पागल है। चल फट से, चलो रेडी। क्या ये बिल चूहे का है? ओह माय गॉड, ये देखो गाइस यहाँ पर बिल है और मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये सांप का ही है। ओह माय गॉड, जल्दी भाग। बाप रे, मेरे को पहले ही लगता है सांपों से बहुत डर। हो सकता है आपको पसंद हो। अरे मैं गिर जाऊंगी ना, बस मेरे को जानबूझ के मत करना वहाँ। जानबूझ के नहीं कर रही हूँ मैं, गिरने वाली थी अभी। अच्छा, ये नाटक वाले वीडियो पसंद नहीं आते मेरे को ना, रियलिटी हो गया, रियलिटी। तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ बैतूल और एंटर हो रहे हैं। अभी अपन कहाँ जा रहे हैं? पहले खाना है ना, कुछ खा रहे हैं, हम लोग आए हैं जूस पीने। रनू ने ऑर्डर किया है पपीता और मैं मौसम्बी। मेरा जूस भी आ गया है और प्रनू का भी आ गया है। और इसको मेरे जूस को देखने में क्या, आप क्या पी रहे हो? मैं यही पी, थोड़ा सा पी लूंगी। ले ले, पहले तू ही पी ले ले। अभी मेरा दूसरा गिलास चल रहा है, मैंने ऑलरेडी एक पी चुकी। पपीता, अब ये कौन सा लिया अपन ने? पाइनएप्पल। ये मेरे को अच्छा लगता है बहुत। तो हम लोग ने अब जूस पी लिया है, खाना हम थोड़ी देर बाद खाएंगे, पहले काम कर लेते हैं उसके बाद फिर खाना। तो अब हम लोग को जहाँ जाना है वहाँ जाते हैं। आगे का कुछ हुआ तो हम लोग उसके आगे की क्लिप कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो हम लोग नहीं करेंगे। सो गाइस हम लोग जहाँ पर आ गए हैं काम के लिए, जिसके लिए हमको आना चाहिए था। बहुत दिनों से हम लोग इन लोग को जाने की, जो अंकल जी हैं उनको जान रहे हैं और आज का दिन बहुत स्पेशल था, इसीलिए हम लोग इनसे मिलने के लिए आए और आज अंकल जी की एनिवर्सरी है को मिलवाते हैं हम अंकल से। अंकल जी की आज 40वीं एनिवर्सरी है ना भैया, सही बोल रहा हूँ ना मैं? तो बहुत हमारे तरफ से बहुत बहुत बधाई हो। हर साल ऐसी मनाते रहे। और का हमारी उम्र आप लोग इतनी दूर से एनिवर्सरी विश करते हैं। तो प्रणु को कोई मिल गए हैं, हम लोग जैसी शॉप से नीचे निकले हैं वैसे एक दी मिल गई है। इधर 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 इधर, आगे आवाज नहीं आ रही है। हमारी दीदी है जो बैतूल में रहती है और आप वीडियो देखते हैं ना? हाँ, वीडियो हमारे इंस्टा पे देखते हैं या आप? नहीं, फेसबुक पे भी देखती हूँ और यूट्यूब पे भी देखती हूँ। अच्छा, थैंक यू सो मच। वाले भैया, इनकी कजन ही है। अच्छा, कजन है आप? हाँ। ओके, मतलब देवर लगते हैं।
अच्छा 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 अच्छा, क्या नाम मैंने आपका? मेरा नाम भाग्यश्री भावसार है। अच्छा अच्छा, चलो अच्छा लगा। हम लोग जस्ट नीचे दुकान से निकले आप मिल के। अच्छा आपको पता था हम आमले से या बैतूल? अच्छा हाँ, ब्लॉग्स देखे तो फिर पता है। हाँ हाँ भैया से भी जस्ट मिले। हम लोग आ गए हैं अभी मॉल के अंदर, सुप्रनु नहीं विशाल मेगा मॉल, मेगा मॉल हाँ, तो उसमें आ गए हैं। और प्रनु भी देखते हैं क्या क्या शॉपिंग कर रही है। कुछ मेरे हाथ में भी अभी से थमा दिया है और कुछ कुछ ले रही है, क्या क्या लेती है देखते हैं। ये हमको चने देना भूल गए थे तो अभी दिया उनने और पूरा खाली कर दिया है। भैया और नहीं है क्या? सारा कुछ आप ही ले जा रहे हैं। अरे यार भैया यार, सारा कुछ हम आपको आने आप हमको ही दे रहे हो, और किसी के लिए बचा लो यार। टॉयलेट क्या कहा तू, पता नहीं कहाँ घूम रही थी। कहाँ उठा के कहाँ ले जाएंगे, घूम रहे हैं अब, देखते हैं इनको क्या पसंद आता है। मेरा तो हो चुका है सब कुछ। क्या लेना है? जीन्स। इतनी खांसी हो रही है मगर हॉस्पिटल जाने का नाम नहीं है इनको। लोअर ले लो आपके लिए। फाइनली हमारा हो गया है और हम लोग ने ले लिया है, ये सारी चीजें ली है। घर जाके हम लोग आपको बताएंगे क्या क्या लिया है हमने। सो गाइज, निकल चुके हैं हम लोग अब घर जाने के लिए वापस, और देखते हैं रास्ते में कुछ खाना हुआ तो खाएंगे, नहीं तो फिर हम लोग आमला में जाकर ही आज खाना खाएंगे, है ना। तो अभी देखते हैं रास्ते में कुछ प्लान बनता है क्या। हम आमला से बैतूल से आमला आ गए थे और घर हम जाकर हमने पूरा सामान रख दिया। हम बीच का नहीं शूट कर पाए क्योंकि बहुत थक गए थे। और अभी हम लोग हमारे आमला में ही एक रेस्टोरेंट में खाना खाने आए हैं। सो क्योंकि हमें रसोई का खाना यार थोड़ा सा मीठा मीठा लगता है, वो फील नहीं आता, पता नहीं फील नहीं आता एकदम से, खाने खाए जैसा नहीं लगता है। हाँ तो हमने सोचा कि आज आमले का हम लोग टेस्ट देखते हैं कैसा है, ट्राई करते हैं। हम कहाँ हैं ये तो बाद में बताएंगे आपको। सो चलते हैं, देखते हैं हम लोग क्या ऑर्डर करते हैं। भैया क्या ऑर्डर करती है ये, थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर अनकम्फर्टेबल भी रहेंगे यार सबके बीच में, कैसे बोल पाएंगे क्योंकि सब लोकल के है ना, इसीलिए। तो गाइस आ चुके हैं हम लोग अभी खाना खाने के लिए, और क्या लेना है देखो मेन्यू में, देखते हैं क्या क्या मिलता है। मिलता सब कुछ है, आपको क्या खाना है ये बताओ। क्या डिसाइड करते हैं मेरे हस्बैंड जी, और फिर खाने के बाद। मैं क्या, तू देखना भाई क्या आपको काजू करी पसंद है, खाना है काजू करी, कुछ तीखा खाना है, मतलब स्पाइसी होना चाहिए थोड़ा। चलो देखते हैं हम क्या ऑर्डर करते हैं। लेट्स सी। फाइनली खाना आ गया है, देखते हैं हमने क्या क्या ऑर्डर किया है। भैया लाओ। सो ये क्या है भैया? पनीर कोलापुरी। हाँ पनीर कोलापुरी। पनीर कोलापुरी, और ये है दाल तड़का, और ये है वेज रायता और सैलेड, और अभी भैया लाएंगे क्या रोटी, तंदूरी रोटी। ओके ठीक है, और कुछ? प्रनु लगा रही है प्लेट, थोड़ा स्पाइसी मंगाया है, हम लोग को थोड़ा सा मीठा मीठा पसंद नहीं आता है, इसलिए हम लोग ने थोड़ा स्पाइसी रखा है। ये आ गई हमारी तंदूरी रोटी। कैसा लग रहा है आपको? तेरे चक्कर में बहुत ही तीखा हो गया, पता तेरे को? ज्यादा तीखा हो गया, मेरी हालत खराब होने वाली है। हमने बुलाया है पनीर कोल्हापुरी, है ना। तो तीखा करवाया ना इसमें, मेरी हालत टाइट हो गई है। सब्जी आधी जगह जैसे कि वैसी है, सिर्फ पनीर पनीर निकाल दिए, बाकी जो उसकी ग्रेवी है जैसे कि वैसी है, इसकी वजह से होगी। मैं पैक करवा लूँगी, कोई टेंशन नहीं है। एक्स्ट्रा तीखा अब रायता खा लो, मीठा मंगा लो कुछ। तो गाइस
जैसे कि मैंने आपको बोला था कि मैं आपको घर जाने के बाद में जो जो हमने शॉपिंग की है वो दिखाऊंगी, तो मैंने क्या लिया है मैं आपको वो दिखा देती हूँ। तो सबसे पहले ना हम लोगों ने ये लिया है इडली का जो साँचा होता है ना वो, और ये थोड़ा सा मुझे नया लगा तो मैंने ये ले लिया। तो इसमें ना देखिए ऐसे दो प्लेट इडली की है इस तरीके की, इसमें बहुत सारी इडली एक साथ बन जाएगी, तो ऐसे दो प्लेट इडली की है और एक ये स्टीम करने के लिए दिया है छलनी टाइप का, और एक ये ढोकला वगैरह कुछ ऐसा बनाना है तो उसके लिए। और इसका ऐसा दिखता है, तो ऐसा ढक्कन है और इसके ऊपर ऐसा बंद हो जाता है, तो ये अच्छा लगा, ये इंडक्शन पे भी यूज हो सकता है, तो ये एक यूजफुल चीज लगी, तो ये मैंने एक ये चीज ली है। और फिर नॉर्मल बहुत सारी ऐसी मतलब चीजें ली है, जैसे कि एक फ्रिज कंटेनर है सब्जियां वगैरह रखने के लिए, ये ऑनलाइन में मिल रहा था पर वहां पर मुझे दिखा तो मैंने ले लिया, और ये मैंने दो लिए हैं ऐसे, और ये एक छोटी सी डायरी भी ली है हम लोगों ने, ताकि हम लोग इसके अंदर हमारे कुछ भी थॉट्स वगैरह लिख पाए, जो भी एकदम से दिमाग में आता है ना वो सारी चीजें लिखने के लिए। और लिया है बिस्किट्स वगैरह, तो ये इस तरीके के कुछ बिस्किट्स वगैरह लिए हैं। और ये लिए हैं कुछ ड्राई फ्रूट्स, ये लिए हमने बादाम वगैरह, और फेस वॉश लिया ये नीविया का, और ये चने काबुली चने। सो इतनी चीजें हम लोगों ने आज लेके आए हैं, और गए हम लोग किसी और चीज के लिए थे और वो चीज तो लेकर ही नहीं आए, और उसमें उसके साथ में मैंने इतनी सारी शॉपिंग कर ली है, ये फुल खाना वाना खा लिया। इतना है कि इतना एनर्जेटिक फील कर रहे हैं, हर बार इतना नहीं करते है, इस बार हम लोगों ने ज्यादा समय नहीं लिया, ज्यादा कहीं गए नहीं, जल्दी यानी लेट गए और जल्दी आ गए। सो आई होप आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर आपको बहुत कुछ मिलने वाला है, हम लोग यार काफी चीजें अपलोड करना है यार, जैसे कि इंस्टा पेमेंट, यूट्यूब पेमेंट, मतलब बहुत कुछ आपके साथ शेयर करना है, लेकिन वो हमारे लॉ स्टोरी का, लॉ लेटर का फोर्थ पार्ट अपलोड करे क्या, लास्ट पन्ना बचा हुआ है, लास्ट है ना कि सेकंड लास्ट है, सेकंड लास्ट पन्ना बचा हुआ है, थर्ड पेज है ना, थर्ड पार्ट है क्या, सो आप बताओ कि हम उसको अपलोड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, आप कितना प्यार दोगे, आप लोग देखना चाहते हो या नहीं चाहते हो ये भी कॉमेंट्स में जरूर बताना, और बहुत सारी चीजें आपके साथ शेयर करनी है, जरूर धीरे धीरे हम लोग करते जाएंगे, अब हम लोग सोच रहे हैं कि समय निकाल निकाल के पहले ये सारे जो वीडियोस है जल्दी जल्दी आपके साथ शेयर कर दे, और तब तक अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, आपको कुछ और बोलना है, ओके सो अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा है तो इसको लाइक शेयर कॉमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना, मिलते हैं आपको जल्दी हमारे नेक्स्ट किसी व्लॉग में, टिल देन लव यू ऑल, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, बाय बाय एंड टेक केयर गाइज, बाय।